हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम हेल्पफुल में आपका स्वागत है। ये वीडियो में जानते हैं कि Xiaomi Redmi 4X मॉडल नंबर है MAI132132, MI अकाउंट कैसे रिमूव करते हैं, फ्लैश कैसे करते हैं, डेट बूट रिपेयर कैसे करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोबाइल में जो भी डेटा है लाइक वीडियो, फोटोज, इमेज सब चला जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। वो हिसाब से आपको ये मेथड फॉलो करना है। अगर आपको MI अकाउंट रिमूव करना है तो आपको TDL मोड में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये वीडियो में बताया गया हुआ है वो आपको कैसे दो पॉइंट शॉर्ट करना है। वो दो पॉइंट शॉर्ट करेंगे तभी ED मोड में जाएगा, तभी MI अकाउंट रिमूव होगा। अब डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं, पोर्ट में चेक करते हैं, अब ADL मोड शॉर्ट करते हैं। जैसे ADL मोड सेट शॉर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉलकॉन USB ड्राइवर डिटेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। दो पॉइंट को चिपिया से लगाओ, फिर USB केबल कनेक्ट करो। आप देखिए वीडियो में जैसे कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली क्वालकॉम USB ड्राइवर ले लेगा। देखो क्वालकॉम HS-USB KD लोडर। अब फ्लैश Xiaomi MI फ्लैश टूल ओपन करते हैं। सिलेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे जो फाइल रखी है वो सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको MI अकाउंट रिमूव करना है तो क्लीन ऑल एंड लॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अब रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं, डिवाइस कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली कॉम आ जाएगा। टेस्ट पे क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर चालू हो गया है। वेट करिए जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। अगर आपको ये वीडियो मेथड फॉलो करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, कमेंट के जरिए से हमें बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे उनको मालूम नहीं पड़ेगा और सॉल्यूशन भी आपका नहीं होगा। ये मेथड के लिए आपको पहले तो क्वालकॉम USB ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर ड्राइवर इंस्टॉल होने में कोई दिक्कत हो रही है तो भी आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं। और MI फ्लैश टूल भी चाहिए और फ्लैश फाइल भी चाहिए, ये सब आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक काम सही से नहीं कर रही है तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली फेस हो गया है। अब फोन चालू करके चेक करते हैं, यूएसबी निकाल दीजिए, बैटरी का सॉकेट निकाल के फिर से डालिए। पावर ऑन करें, फोन चालू हो गया है। थोड़ा वेट कीजिए जब तक मेन स्क्रीन नहीं आ जाती। मेन स्क्रीन आ गई, मेन स्क्रीन आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट करके चेक करते हैं, रीजन कंट्री सिलेक्ट करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, वेट करें। नेक्स्ट क्लिक करें, स्किप पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, टर्म एंड कंडीशन स्किप पे करें, नेक्स्ट करें, नो पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। हो गया सर, थोड़ा वेट कीजिए जब तक नॉर्मल स्क्रीन नहीं आती।